हेलो एवरीवन वेलकम टू राइव ऑनलाइन क्लासेस टुडे एम फॉर बायोलॉजी इज़ एंटीबॉडी प्रेजेंट इन क्लॉस्ट्रम क्लॉस्ट्रम वर्ड यूज़ होता है जो इनिशियल डेज पे जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन पार्चुनेशन वर्ड हम यूज़ करते हैं चाइल्ड बर्थ के लिए द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज नोन एज पार्चुरेशन और उसके बाद जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन जो थिक येलोइश कलर्ड मिल्क जो है मदर बॉडी से मेमोरी ग्लैंड से स्क्रीट होता है उसे हम क्लॉस्ट्रम कहते हैं क्लॉस्ट्रम में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट रहता है अगर हम एंटीबॉडी ई e की बात करें तो एलर्जिक कंडीशन में ये एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करती है आई मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी होती है ब्लड के अंदर और आई जो है ये प्लेसेंटा के थ्रू मदर से बेबी में इन द मदर वोम आप कह सकते हैं कि मदर की बॉडी के अंदर जब पीटस ग्रो कर रहा है उस टाइम ये ट्रांसफर होती है प्लेसेंटा के थ्रू आई जी हैवीएस्ट एंटीबॉडी है क्योंकि ये पेंटामेरिक है पेंटामेरिक है विच मीन्स ये पांच जो है वाई शेप्ड मॉलिक्यूल ऑफ इम्यूनोग्लोबिलिन उनसे बनती हैं। एंटीबॉडीज जो वर्ड है इसे हम ए बी या फिर आई जी आई जी स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबिलिन इन्हें हम इम्यूनोग्लोबिलिन एंटीबॉडी दोनों कहते हैं और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिलिन मॉलिक्यूल की शेप कैसी होती है तो ये वाई शेप्ड होता है यूजुअली वाई शेप एक मॉलिक्यूल होता है आई में ये डाइमेरिक होती है इस तरह से दो वाई शेप मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं और अगर हम बात करें आई की हैविएस्ट होती है पेंटामेरिक होती है विच मीन वाई शेप्ड फाइव वाई शेप्ड मॉलिक्यूल टूगेदर मेक्स द वन सिंगल एंटीबॉडी दैट इज़ आई जी एम पाँच मॉलिक्यूल से बनेगी इसलिए पेंटामेरिक और हैवीएस्ट होती है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कैसे भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं एंटीबॉडीज़ हमें इम्यूनिटी देने में काफ़ी ज़्यादा रोल जो है वो प्ले करती हैंक्स्ट एम सी ट्यू में अ नाइस टाइम टेक केयर